एग्जाम कैसा गया बेटा? बो पापा, प्रिंसिपल साहब ने घर भगा दियो। भगा दियो? क्यों भगा दियो? हैं? क्यों भगा दियो? बो पापा, हम पेपर लेके रहे थे, उके नीचे कछु लिखो, हमका समझ नहीं आयो। हम मास्टर साहब से पूछ लियो, मास्टर साहब बोले पीटियो, हमने उन्हें पीट दियो, प्रिंसिपल साहब हमें घर भेज दियो। अरे भैया, मुंह लटकाए काहे बैठे हो? बीवी से झगड़ा हो गया है भैया। ऐसा क्या हो गया भैया? का बताएं भैया, हम अपनी पत्नी है मैसेज भेज रहे, उके अंदर प्रीतमा की जगह प्रेत आत्मा टाइप होगा वा हमसे। कल ते भैया चाय उना मिली है पीवे काहे। बहन, तुम चटनी बहुत स्वादिष्ट बनाती हो, अपनी रेसिपी हमें भी बता दो। बहन, रेसिपी तो कुछ नहीं है, बस बनाते समय अपने पति देव को याद कर लेती हूँ ताकि कूटने में आसानी हो जाती है। अजी सुना तो, खाने में क्या खाओगे, रोटी या पराठे? रोटी बनाए लो। ठीक है। अरे रुको, दिलवाली रोटी बनाए लेना। ये दिलवाली रोटी कौन सी होवत है? वो दिन तुम मायके गई ना, तो पड़ोस वाली भाभी बना के दे गई, बड़ी अच्छी लग रही खावे में, तुम भी बना लो। अरे मास्टर, सिलाई कढ़ाई का कोर्स यहीं सिखाया जाता है? हाँ, यहीं सिखाया जाता है, 15,000 फीस लगेगी। मास्टर साहब, हम 20,000 रुपया देंगे, लेकिन सिलाई कढ़ाई एकदम सफाई से सिखाना पड़ेगा। अरे बिल्कुल सफाई से सिखाएंगे, ये लो मास्टर साहब 20,000 रुपए। वो देखो बगल में झाड़ू रखी है ना, पूरे कमरे में झाड़ू लगा दो। अरे महाराज पागल हो क्या, मैं क्यों झाड़ू लगाऊंगा? अरे तुम ही तो बोल रहे थे कि सफाई से सीखना है, तो करो सफाई। तनी सुना का है? ये बतावा, गुरु गुरुवाइन और 90 चेला में 3 पूड़ी बिना तोड़े कैसे बांटा जाए? गुरु गुरुवाइन और 90 चेला में 3 पूड़ी बांटे के हो? नहीं मालूम, तू बतावा। अरे पगली, 90 चेलवा का नाम है रहा। लागत है बहुत दिन से कचरे नहीं गए हो, तभी तुम्हारा दिमाग सटक गवा है।